अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम डॉक्टर इमरान है और मेरे साथ इस वक्त है डॉक्टर हिलाल, मेरे साथ मौजूद है गाड़ी में। इस वक्त हम घर जा रहे हैं, छुट्टी हो गई, फ्राइडे है आज और आपको पता है कि फ्राइडे का दिन एक अच्छा दिन होता है इस लिहाज से कि तीसरी खुशी चार बजे छुट्टी हो जाती है एक घंटा पहले। तो डॉक्टर हिलाल बड़े खुश है आज। मैं उससे कुछ पूछूंगा कि वो किस तरह आयरलैंड आया और उसको कितने टाइम बाद जॉब मिली है, क्योंकि अक्सर आप लोगों को का ये गिला होता है ना कि जॉब नहीं मिलती और जॉब मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो डॉक्टर हिलाल पहले तो ये बताएं कि आपने आयरिश मेडिकल काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन कब किया? मैंने प्रोसेस शुरू किया, तेज बोलो ताकि लोगों को समझ आए। सही है, मैंने IMC रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू किया था November 2021 में। अच्छा। और इस दौरान जिस तरह आजकल भी लोग वेट कर रहे हैं 7-8 महीने, शायद अब ज्यादा हो गए, तो मैंने भी 8 महीने वेट किया और मेरा 22 जुलाई को मेरा IMC रजिस्ट्रेशन एक्टिवेट हो गया। नवंबर में अप्लाई किया था, 22 जुलाई को आपको रजिस्ट्रेशन मिल गई। हाँ जी, तो 8 महीने बाद। अच्छा, मुझे अप्रैल के एंड में या मई के स्टार्ट में वो जो पहली असेसमेंट है ना, फर्स्ट असेसमेंट साइन ऑफ होती है, तो अच्छा। वो मुझे मिली थी 4-4.5 महीने बाद। तो वो जब मुझे मिल गई तो मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया था। अच्छा। इसलिए मुझे मेरा जो इंटरव्यू हुआ था, मेरा एक ही इंटरव्यू हुआ था और उसी में मेरी जॉब हो गई थी। अच्छा। हाँ जी, जबरदस्त। तो मेरा जो इंटरव्यू था वो मेरे एक्टिवेशन से पहले हो गया। किस जॉब, किस डिपार्टमेंट में और किस पोस्ट के लिए इंटरव्यू था? SHO जनरल मेडिसिन के लिए। SHO मेडिसिन। अच्छा। तो मेरा इंटरव्यू 22 जुलाई से पहले हो गया था और मेरा IMC रजिस्ट्रेशन 22 जुलाई को। यानी आपका IMC रजिस्ट्रेशन अंडर प्रोसेस था और आपका इंटरव्यू हो गया, उसमें आप सिलेक्शन भी हो गई। तो सिलेक्शन तो उसी दिन नहीं हुई थी, क्योंकि वो दूसरे लोगों को भी इंटरव्यू कर रहे थे ना, वो सेशन चल रहे होते हैं ना। बिल्कुल। तो उस प्रोसेस के दौरान मेरा एक्टिवेट हो गया था लकीली। तो मतलब 10-15 दिन बाद मुझे ऑफर मिली जॉब की। अच्छा। इंटरव्यू के बाद तो तकरीबन 2 हफ्ते मैं वेट कर रहा था उनके रिस्पांस का, और उस दौरान मेरी रजिस्ट्रेशन एक्टिवेट हो गई थी। तो इंटरव्यू से पहले नहीं थी, इंटरव्यू के बाद मेरी रजिस्ट्रेशन हो गई और फिर आपको जॉब ऑफर क्यों उन्होंने लगे। हाँ, मैं सेलेक्ट हो गया और फिर मैं आयरलैंड आ गया। अच्छा, जनरल मेडिसिन में SHO की जॉब आपकी लग गई। ठीक है। हाँ जी। पहला कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने या कितने साल का था? 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला। सीरियस, 2 साल? क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल था ना, UPMC कलदेर। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो लेकिन तुमने तो 2 साल नहीं गुजारे। मैंने 6 महीने वहाँ पे गुजारे। फिर क्यों है जब कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का था? तो मैं प्राइवेट से पब्लिक सेक्टर में मूव करना। अच्छा, तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब मिली थी। हाँ, सही, तो सही। फिर मैं पब्लिक सेक्टर 6 महीने तुम SHO रहे मेडिसिन में। हाँ जी, और यहाँ पे भी इसी तरह था। जब 4-5 महीने हो गए तो यहाँ पे मुझे एक इंटरव्यू आ गया। मैंने कहा चलो दे देते हैं, वैसे ही कौन सा इसमें नुकसान है। वहाँ पे तो 2 साल की जॉब थी पहले से ही। यहाँ पे इंटरव्यू हो गया और यहाँ का इंटरव्यू उसके बरक्स बहुत डिफरेंट था। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे मुझे रजिस्ट्रार के लिए इंटरव्यू कर रहे थे, तो क्वेश्चंस वगैरह ये चीजें, इंटरव्यू का स्कोप थोड़ा हाई था ना। तो रजिस्ट्रार के इंटरव्यू हो गई आपकी, रजिस्ट्रार मेडिसिन की, और उसी दिन मुझे ऑफर भी मिल गई। बहुत जबरदस्त। हाँ, मतलब तो इसका मतलब ये 6 महीने आपने SHO की जॉब की, उसके बाद आपको रजिस्ट्रार की जॉब मिल गई। देखो आप कितने लकी रहे। ऐसे भी और इसमें मैं ये बात जरूर मेंशन करूंगा, क्योंकि आपके चैनल के तवस्सुत से बहुत लोग आपको फॉलो करते हैं आयरलैंड के बारे में। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में भी किसी को नहीं जानता था ये जॉब अप्रोच के लिहाज से ना। लोग कहते हैं कि अप्रोच होना चाहिए अक्सर, तो मैं तो ऑनेस्टली आज भी पाकिस्तान में किसी को नहीं जानता जो मुझे पाकिस्तान में जॉब दिलाए, तो लेट अलोन आयरलैंड। ऐसा ही होता है, तो लोग समझते हैं कि रेफरेंस चाहिए, लेकिन हर केस में रेफरेंस नहीं चाहिए। पाकिस्तान में भी किसी ऐसे बंदे को नहीं जानता था जो मुझे जॉब दिलाए, तो आयरलैंड की तो बात ही दूर थी ना। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि
आपको रेफरेंस या किसी सिफारिश की जरूरत नहीं होती, बस आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना होता है। जॉब्स के लिए परसिस्टेंटली अप्लाई करना होता है और अपने ऊपर और अल्लाह के ऊपर बिलीफ रखना। हाँ बिल्कुल। और तुम थोड़ी थोड़ी बहुत सीवी पे भी काम करना चाहिए ना, एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस स्किल्स हो थोड़े बहुत ना, तो अच्छा है कि बंदे के पास जो है ना एक्यूट और इमरजेंसी और क्रिटिकल मेडिसिन का एक्सपीरियंस हो, उस पे जॉब जल्दी मिल जाती है, जॉब जल्दी मिल जाती है, प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्यूट मेडिसिन बहुत बड़ी चीज है और बंदे को फिर कॉन्फिडेंस होती है ना। सही है बिल्कुल। और यहाँ पे जो इंटरव्यूअर होता है, आपने बताया नहीं ना आपका कितना एक्सपीरियंस था। तो मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस था, फिर मैंने 6 महीने SHO जॉब की। अच्छा, 3 साल का आपका आईसीयू में एक्सपीरियंस था? नहीं, आईसीयू में तो मेरा 6-7 महीने का एक्सपीरियंस था। अच्छा, उससे पहले जस्ट जनरल मेडिसिन MO। जनरल मेडिसिन MO और उसके बेसिस पे आपको SHO की जॉब मिल गई। SHO की जॉब मिल गई, तो आईसीयू का इसमें, मेडिकल आईसीयू का इसमें बड़ा रोल था ना। अच्छा, और जब मेडिकल आईसीयू में आया तो फिर मुझे 6 महीने यहाँ भी काउंट हो गए ना, तो उन सबको मिला के फिर इन्होंने मुझे रजिस्ट्रार की जॉब। तो अभी जो आप रजिस्ट्रार की जॉब कर रहे हो ना, कैसा लग रहा है तुम्हें, जॉब कैसी है? और तो अच्छा है ना, बहुत अच्छा है जॉब। पहले तो मतलब थोड़ा चैलेंजिंग होता है रजिस्ट्रार जॉब, क्योंकि बंदा यूज्ड नहीं होता ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है डिसीजन मेकिंग में, और एक्यूट और अनवेल पेशेंट्स को देखना फिर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रजिस्ट्रार की ना। रजिस्ट्रार, लेकिन जब आप 1 महीना काम करते हो तो फिर आपके लिए सब चीजें आसान हो जाती है। सही है, आप यूज टू हो जाते हैं। तो आप क्या कहते हो लोगों को, आप रिकमेंड करते हो कि वो आयरलैंड के लिए ट्राई करें? बिल्कुल, अच्छा ऑप्शन है ना, बेहतरीन ऑप्शन है। अच्छा नहीं, बेहतरीन है। अच्छा, किस लिहाज से बेहतरीन है? मतलब आप 2-3 बातें ऐसे हमारे साथ शेयर करो। 2-3 बातें यही है कि एक तो आपका जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है ना, वो हर पाकिस्तानी का पैसा प्रॉब्लम है। हाँ जी, पैसा, आपकी सैलरी बहुत है। तुम अपनी सैलरी का, तुम्हारा जो रेंज है वो तुम शेयर करोगे लोगों के साथ? मैं तो करता रहता हूँ। आपका क्या रेंज है? मैं तो अक्सर बताता हूँ, मैं एज़ अ मेडिकल रजिस्ट्रार 4,000 से लेकर 5,000 यूरोज मंथली इतनी सैलरी बनती है हमारी, आफ्टर टैक्स, नेट पे जिसको कहते हैं। मेरी भी इतनी बनती है, इतनी है ना तकरीबन। अगर हम वीकेंड कॉल करें, फॉर एग्जांपल 2 वीकेंड कॉल करें और साथ में 1-2 नॉर्मल डे कॉल करें, तो फिर 5,000 टच कर देता है, हमारी सैलरी बन जाती है ना 5,000 मंथली। तो एक तो ये है ना, दूसरा ये कि आपका यहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, हमारे मुल्क की तरह टॉक्सिक एनवायरनमेंट नहीं है कि लोग आपको चढ़ाई करते हैं, सीनियर्स और वो जो हायरार्कीज है ना, हायरार्कीज यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ हर बंदा इक्वल है, तो आपको एज ए कलीग ट्रीट करते हैं। कंसल्टेंट के साथ आप काम करोगे तो वो आपको ऐसा नहीं, आप दोस्तों की तरह कंसिडर करेगा कि आप इतने जूनियर हो या फिर आपको कुछ आता नहीं है या वो है ये है ना, इस तरह नहीं होता, आपको रिस्पेक्ट दिया जाता है, बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है। दूसरा यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द टाइम लगा एनवायरनमेंट अच्छा होता है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है ना, और आप करियर में बड़ा सपोर्ट करते हैं यहाँ पे, जो NER पे आपका एनुअल अलाउंस है जो भी आप 1,750 यूरो, आप कोई भी एग्जाम देते हो, वर्कशॉप अटेंड करते हो, कोई पब्लिकेशन करते हो, कोई कोर्स करते हो, उस पर आपके जितने पैसे लगते हैं वो आपको वापस रिफंड होते हैं, यहाँ तक कि आपको 1,000 यूरो का लैपटॉप भी फ्री है। अगर महंगा है तो उसमें आपको 1,000 यूरो आपको हॉस्पिटल कोई भी कोर्स आप, तो इसका मतलब 3 लाख रुपए, अगर 3 लाख आप 5 लाख रुपए का लैपटॉप लेते हो तो 3 लाख आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल देती है। क्या बात है भाई। हाँ, तो एग्जाम्स हैं, आपने एग्जाम पास किया, इन समरी आपको सारा एग्जाम फी। इन समरी यू वुड रिकमेंड people to come and join hospitals here in Ireland. बिल्कुल, हाँ ऐसा ही है, आज ट्राई कर लें, जॉब मिल जाती है तो बिस्मिल्लाह करें, आ जाए आयरलैंड, यहाँ पैसे कमाए, करियर बनाए, पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम्स करें और लाइफ भी एंजॉय करें ना। कंसल्टेंट, और लोगों को एक खौफ होता है ना कि वहाँ पे कंसल्टेंट नहीं बन सकते, ये मिसअंडरस्टैंडिंग तरीके है कंसल्टेंट बनने के, तरीके हैं और बहुत से लोग बन रहे हैं, और इंशाल्लाह इमरान भी 2 साल बाद कंसल्टेंट इंशाल्लाह, बस फिर मैं अपने लोगों को रजिस्ट्रार हूँ। सही है, मैं पाकिस्तान से भी कई लोग इंशाल्लाह मंगवाएंगे,
इंशाल्लाह अच्छे अच्छे ठीक है, उनको एस एच ओज और रजिस्ट्रार की जॉब दिलवाएंगे इंशाल्लाह जरूर जरूर। तो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हिलाल से उसका एक्सपीरियंस हम पता करें कि उसका एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहे, और ताकि आप लोगों को थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिले। तो इसका मतलब ये खुलासा ये है कि आप लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करते रहे और मायूस ना हो, मायूस ना हो, डोंट गिव अप। यहाँ पे जिंदगी अच्छी है, पैसे अच्छे हैं और आप लोग एग्जाम्स वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे इंशाल्लाह। और हमें, मुझे और डॉक्टर हिलाल को अपनी दुआओं में याद रख के इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।